हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल माँ शारदा स्टडी पॉइंट पर। आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा कर नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, और साथ ही साथ लाइक भी कर दें और लाइक और शेयर दोनों कर दें। ठीक है, आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों CET के तहत जो PG के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए आपका जो फॉर्म अप्लाई हो रहा है उसके बारे में कुछ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम खोलेंगे। गूगल क्रोम खोलने के बाद इसमें हम टाइप करेंगे www.cuetpg। ठीक है दोस्तों, तो आपको दिख रहे CUETPG 2022 एप्लीकेशन फॉर्म, इसी पर क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस आपका इस प्रकार खुलेगा। जो ऊपर वाला जो दिया है लिंक जो आपके सामने दिख रहा है, इस पर क्या करेंगे दोस्तों, आपके सामने जो दिया है आपका ऑफिशियल वेबसाइट कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, इस पर क्या करेंगे दोस्तों, क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद आपका इंटरफेस कुछ इस प्रकार खुलेगा। आप देख रहे हैं रजिस्ट्रेशन फॉर CUETPG 2022 इज लाइव, यानी आपको यहाँ पर दे रहा है कि रजिस्टर आप सब CUETPG के लिए सबसे पहले आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। तो हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर कुछ नोटिस है, नोटिस को हम डाउनलोड करेंगे और डाउनलोड करने के बाद उसको देखेंगे कि उसमें क्या क्या दिया है। तो हम पहले नोटिस को डाउनलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या क्या दिया है। ठीक है दोस्तों, हमने नोटिफिकेशन को इसका ऑनलाइन डाउनलोड कर लिया है। अब इसके बारे में देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है और क्या क्या। आप देख रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन को ऑन कर लिया है। ऑन करने के बाद इस पर देखते हैं कि इसमें क्या क्या दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे दिया है आपका ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म थ्रू वेबसाइट CET, यानी कि आपका 19/5/2022 से 18/6/2022 तक अप टू 11:50 तक का ये फॉर्म आपका क्या होगा, ऑनलाइन होगा। फिर उसके बाद आपका लास्ट सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन जो दिया है आपके सामने है, यहाँ पर आपका दिया है 19/6/2022। फिर उसके बाद करेक्शन जो आप फॉर्म में अप्लाई किए, मान लीजिए आपका कुछ मिस्टेक हो गया है, तो आप उसका करेक्शन आप कर सकते हैं 20/6/2022 से 22/6/2022 तक। आपका एग्ज़ाम जो होगा आपका 120 मिनट का, यानी 2 घंटा का एग्ज़ाम होगा। 2 शिफ्ट में आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा। पहला शिफ्ट रहेगा 10 से 12 और दूसरा शिफ्ट रहेगा 3 से 5, यानी आपका 2 घंटे का पेपर होगा। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। इस CUETPG के अंतर्गत लगभग आपके देश के लगभग 40 यूनिवर्सिटी क्या है कि इसमें पार्टिसिपेट कर रही है। आपका एक कॉमन एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा। जब एंट्रेंस आप पास कर लेंगे तो आपका जो देश के 40 सबसे बेस्ट यूनिवर्सिटी हैं उनमें आप नामांकन के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे। तो आपका आप देख रहे हैं नोटिफिकेशन को कि इसमें क्या क्या दिया है। आप अपना खोल कर वेबसाइट से खोल कर इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और उसको देख लीजिएगा कि क्या 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 प्रोसेस है और आगे कैसे फॉर्म को फिलअप किया जाएगा। तो आगे हम बता रहे हैं कि जो आप इस फॉर्म को भरेंगे तो देश के 40 लगभग यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन किसी भी यूनिवर्सिटी में आप ले सकते हैं। जैसा आपका परसेंट नंबर आएगा उसके अकॉर्डिंग आपको यूनिवर्सिटी का फॉर्म फिलअप करने के लिए मिलेगा। हम आप लोगों को यही बताना चाह रहे थे दोस्तों कि फॉर्म आपका कैसे आपका ऑनलाइन होगा। आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर CUETPG 2022 लाइव ऑन, यानी कि आप यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप आगे का फॉर्म फिलअप करेंगे। देखिए यहाँ पर दिया है रजिस्ट्रेशन फॉर CUETPG 2022, हम इस पर क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। आप देखिए कैसे आगे बढ़ता है, इस पर ओके कर लीजिए। ओके करने के बाद आपका फॉर्म कुछ इस प्रकार हो खुलेगा। सबसे पहले आप इस पर आइएगा तो न्यू रजिस्ट्रेशन कीजिएगा। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप न्यू रजिस्ट्रेशन नंबर पर के बेल आइकन पर आप क्लिक कीजिएगा। आपका फीस उस दे दिया है कि आपका फीस कैसे कैसे फीस लगेगा। आप इंस्ट्रक्शन को फॉरवर्ड लीजिएगा, उसके बाद फॉर्म फिलअप कीजिएगा कि क्या क्या डॉक्यूमेंट क्या क्या मांग रहा है। आप इस पर क्लिक करने के बाद क्लिक या प्रोसीड कीजिएगा।
इस पर क्लिक करने के बाद आपका कुछ इंटरफेस इस प्रकार खुलेगा। आपके सामने खुला है कि अब क्या क्या मांगना है, पर्सनल डिटेल, कैंडिडेट नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, नेशनलिटी, आइडेंटिटी टाइप, यानी कि आपके पास कौन सा गवर्नमेंट से इशू जो आईडी प्रूफ है उसको आप डालिएगा उसमें, पर इसमें एड्रेस डाल दीजिए, परमानेंट एड्रेस, करस्पोंडेंस एड्रेस, जो भी एड्रेस है आप डाल दीजिए, कंफर्म ईमेल, मोबाइल नंबर, आप सब डालकर आप आगे बढ़िएगा। आपको पासवर्ड बनाना पड़ेगा, पासवर्ड एक बना लीजिएगा, सिक्योरिटी क्वेश्चन है, आप उसका सब आंसर देने के बाद कैप्चा फिलअप कर आप आगे फॉर्म को अप्लाई कीजिएगा। तो ठीक है दोस्तों, आपसे मिलकर बहुत खुशी हुआ। इस आपके हम कमेंट बॉक्स, आप जो भी प्रॉब्लम होगा आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपना क्वेश्चन कीजिएगा। हम अपना इस वीडियो को अपने टेलीग्राम चैनल पर मार्शाला स्टडी पॉइंट पर हम डाल दे रहे हैं और टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू, धन्यवाद।